हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट डिक्शनरी टर्म्स की बात करेंगे, एक्ट एंड थीम। तो व्हाट इज अ एक्ट? एक्ट इज अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ प्ले। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कब? एलिजाबेथ डेमेटिस ने किया था, जो कि उन्होंने इमिटेट किया था एंशियन रोमन प्लेस को, जो कि उस समय ये कहा गया था जो प्लेस होते हैं वो 5 एक्ट के होते हैं। वैसे तो 3 एक्ट प्रॉब्लम प्ले भी हैं, जो कि जीबी सॉ का आर्म्स एंड द मैन है, और ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ राइटर्स हैं जो 19th सेंचुरी के, जैसे चेकॉफ एंड इब्सन, इन्होंने 4 एक्ट प्ले बताया। 20th सेंचुरी में जो बेसिकली 3 एक्ट प्ले था। तो एक्ट को सब डिवाइडेड किया गया सब सीन में, विच इन द मॉडर्न प्ले यूजली कंसिस्ट ऑफ यूनिट ऑफ एक्शन इन विच देयर इज नो चेंज ऑफ प्लेस और ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ टाइम। तो इसमें 1 एक्ट प्ले में एक बात की गई कर्टेन और रेजर की। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ये जो प्रोसेसिनम आर्क है वो एक फ्रेम करता है कि जहाँ पे सीन का एंड होता है, जहाँ पे कर्टेन गिरता है और लाइट बंद होती है, और द एंड ऑफ एन एक्ट बाय अ ड्रॉप कर्टेन एंड इंटरमिशन, जहाँ पे एक ब्रेक आता है और स्टोरी प्ले का एक तरह से ब्रेक दिया जाता है। तो ये एक्ट एंड सीन के बारे में बस इतना ही जानना है कि व्हाट इज अ एक्ट। तो एक्ट जो है एक मेजर डिवीजन है एक्शन ऑफ प्ले के बारे में, और जो सीन क्या है, सीन एक्ट को ही सब डिवाइडेड किया जाता है। कई सारे प्लेस ऐसे हैं शेक्सपियर्स वगैरह के कि जो उनको फर्स्ट एक्ट में एक 2-3 सीन के बारे में बात की गई। तो ये होता है एक्ट एंड सीन।